अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ग्राफिकल लेटर डी। इससे पहले हमने ए बी सी तो बना लिए, आज हम बना रहे हैं डी। आज मैं आपको बताऊँगी डी कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए भी आपको सिर्फ सिंपल क्या करना है, इस तरह का 4x7 के स्क्वायर बनाने हैं और फिर इसमें आप अपना वर्क करेंगे, आप लेटर बनाएंगे। तो इसके लिए आप मुझे सबसे पहले क्या करना है, ये 4x7 का जो स्क्वायर है इसके आपने बस में ये सिंपल लेके स्ट्रेट लाइन है ये ले ली। अब यहाँ से आपने 3 स्क्वायर स्ट्रेट लाइन लेके और फिर यहाँ से इसी तरह नीचे से भी लेंगे आप, यानी 1 2 3 1 2 3 यहाँ से आपने स्ट्रेट रखना है और फिर लास्ट वाले 4 स्क्वायर से आपने यहाँ पे कर्व लाइन दे देनी है, सिर्फ सिंपल। इसी तरह लास्ट वाले में ये 1 2 3 4 लास्ट वाला जो स्क्वायर है इसमें आपने इसको भी इसको। अब इसी तरह आपने सेकंड वाले स्क्वायर में इसी तरह आपने स्ट्रेट लाइन लेनी है और कर्व लाइन लेनी है। ये यहाँ से ये लिया और ये यहाँ पे आपने कर्व लाइन लेनी है। बहुत आसान है ये ग्राफिकल लेटर, बस समझने की बात है। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत इजीली आप बना सकते हैं ये। हाँ, इस लास्ट वाले छोड़ के सेकंड वाले स्क्वायर से आपने इस तरह से इसमें भी कर्व लाइन देनी है। अब आपको देखें, आपको डी शेप नज़र आ रही होगी। अब मैं इसके आउटलाइन करके आपको दिखाती हूँ, आपको और वाजे हो जाएंगी ये चीज़ें। इसी तरह आपने यहाँ से आपको और ज़्यादा नुमाया हो रहा होगा, आप ये देखें यहाँ से आपने इसको कर्व लाइन से लेना है। इसी तरह इसमें भी आपने यहाँ से इसको कर्व लाइन से यहाँ ज्वाइन कर देना है और फिर स्ट्रेट लाइन से आप इसको ज्वाइन कर दें यहाँ से। देखें इसको, आपको वाज़े नुमाया हो रहा होगा। अब मैं इसकी लाइंस इरेज कर देती हूँ। आपने देखा है ये मैंने इरेज कर दी उसकी लाइंस। अब आप इसको वही खूबसूरत बनाने के लिए इसमें कलर्स कर सकते हैं, पोस्टर कलर कर सकते हैं, पेंट कोई से भी पेंट, एक्रेलिक है, पोस्टर है, जो भी आप वाटर कलर यूज़ करना चाहें या पेंसिल कलर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसमें कलर कर सकते हैं। मैं आपको कलर करके दिखा रही हूँ। अब आप देखें मैंने इसमें कलर, देखें कि कैसे अच्छा लग रहा है कलर करके। आप इसमें अपनी मर्जी से, मतलब सिंपल करने बजाय आप शेडिंग भी कर सकते हैं। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसा खूबसूरत बनाते हैं। तो आपको उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी, तो इसीलिए आप ये के मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें प्लीज़। और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, इंशाल्लाह मैं दूसरी वीडियो जल्दी लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, ताकि आपको मज़ीद लेटर्स का बता सकूँ।